आफ्टरनून गुड आफ्टरनून. ओके सो ऑल पीपल आर सेट टू एंजॉय चिली विंटर्स. हाँ एंजॉयिंग चिली विंटर्स. ओके टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. ओके इट्स या इट्स एक्चुअली रियली वेरी कोल्ड. ओके आई विल जस्ट म्यूट यू ऑल एंड वी बिगिन विद दिस सेशन. जस्ट Yes, Janvi, thank you. I'm really doing fine and I hope the same for you. Yes, Bharat, you want to say something? Ma'am. Yeah? Ma'am, good afternoon. Yeah, good afternoon. Ma'am, hum na apna nana ke aaye hain. To hum apni copy and book nahi laaye. Koi baat nahi. That's okay. Okay, Ozaira. मैम हमने जो संडे की हॉलीडेज में आर्ट बनाई थी मैम हम वो आपको दिखाएं. ओके मैम हमने बहुत सारी आर्ट्स बनाई हैं. नो ओनली शो वन. मैम एक ही बनाई है एंड मैम टू और बनाई है. मैम की वाली दिस इज ऑन व्हाट मैम जो मैम आपने ड्रीम का करवाया था कि क्या क्या आपके ड्रीम्स है. ओके ऑलराइट नाइस स्केचिंग. मैम सुभाष चंद्र बोस का भी बनाया हमने. वाओ नाइस. मैम का बर्थडे था ना इसलिए. नाइस वगैरह. ओके राइट. एंड मैम हमने ये भी बनाया एंड मैम रिपब्लिक डे के लिए ये भी बनाया है. नाइस लुकिंग नाइस. थैंक यू मैम. यस अन्वेषा. यस मैम. मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही. वॉइस नहीं आ रही जस्ट चेक योर डिवाइस इनपुट वंस. हो सकता है आपके फोन का वॉल्यूम कम हो. ओके जस्ट चेक दैट वंस. Yes, Itakshi. Ma'am, I showed you something. Can I show? Yeah. Ma'am, I made this. Ma'am, greeting card for Republic Day. Okay. Nice. It's looking nice. So you will be giving it to whom? किसको दोगे कार्ड आपने कार्ड जो बनाया. यू मेड इट फॉर होम किसके लिए. फॉर आई मेड दिस कार्ड फॉर इंडिया. ओके सो यू मेड इट फॉर द कंट्री दैट्स अमेजिंग. ओके सो वी बिगिन विद टुडेस सेशन विद द वीडियो. आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन विद यू. वीडियो में वो कुछ बात नहीं कर रहा है ठीक है. सो जस्ट वॉच इट एंड देन वी विल हैव अ डिस्कशन अराउंड इट.
Yeah, so what do you think the story was about? Story kis cheez pe tha? Sanskriti? मैम एक्चुअली मैं 5 मिनट लेट थी इस क्लास में, मतलब 5-6 मिनट. तो मैम आप क्या दिखा रहे थे? वाओ बेटा, देयर वाज अ गुड मूवी दैट वी वर वाचिंग. मैम मैंने देखा तो था थोड़ा सा, बट मैम स्टार्टिंग की नहीं देख पाई. मैम मुझे पता नहीं था कि क्लास है 1 बजे की, 1:30 की. तो मैम मैंने जब देखा ना कि कनेक्ट पे कोई और क्लास तो नहीं है, तो मैम फिर आपकी थी. Listen to the others, you'll get to know what the story was about. Okay. Tamanna? Ma'am, never give up. What the story was about. I am not asking the lesson. Aapne story mein kya dekha? I'm asking that abhi pehle. Aap bata rahe ho aapne story se kya seekha? Yes, ma'am. अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि स्टोरी किस चीज पर था. ओके अन्वेषा. मैम हमने स्टोरी में देखा कि एक बॉय था. मैम वो चल नहीं सकता था ना, मैम वो दौड़ सकता था. फिर मैम उसने एक टारगेट बनाया, उसने टारगेट को फॉलो किया. अपने उसका सिर्फ एक ही टारगेट था, चलने का. उसको चलना था, इसलिए मैम ये था स्टोरी. ओके, तो वो अचीव कर पाया अपना टारगेट? यस मैम, वो अचीव कर पाया, वो उसने अपना टारगेट पूरा कर लिया. ओके राइट कन्वेशा. उजैरा मैम, उसने एक बॉय था एंड मैम वो मैम चल नहीं पाता था, इसलिए मैम उसे बहुत बुरा लगता था. वो देखता था कि सारे टीवी पे देखता था रेस के, स्पोर्ट्स के, तो उसे बहुत बुरा लगता था. तो फिर मैम उसने सोचा कि मैं भी चलना सीखूंगा और मैम मैं भी रेस करूंगा. तो फिर मैम उसने धीरे धीरे करके मैम चलना सीखा, बट मैम उससे शुरू शुरू में नहीं हो पाया. फिर भी उसने गिव अप नहीं दिया. फिर उसने फिर मैम और प्रैक्टिस करी और प्रैक्टिस करी. फिर मैम उसने अच्छे से चलना आ गया. फिर मैम लास्ट में उसने रेस ग्राउंड में जाके रेस भी करी. ओके, सो इफ यू सॉ द स्टोरी इन द बिगिनिंग, जब वो उठता है दिस पर्सन, व्हेन ही स्टैंड्स एंड सेटल्स ऑन द व्हीलचेयर, ही हैड टियर्स इन हिज आईज, व्हिच शोस कि वो पहले चल सकता था बट अब नहीं चल सकता. नाउ ही इज ऑन व्हील चेयर बिकॉज ऑफ सम ट्रेजेडी दैट हैपेंड इन लाइफ दैट पैरालाइज्ड हिज लेग्स, जिस वजह से वो चल नहीं पा रहा था. ओके, तो उसके बाद आपने नेक्स्ट पार्ट में देखा कि वो वीडियो देख रहा होता है रेस का, सो विच शोज दैट ही यूज्ड टू रेस. वो भी पहले रेस करता था, ही वॉज अ रेसर एंड ही वॉज अ रनर बेसिकली, बट नाउ He's on the wheelchair. So this brings about anger in him. वो बहुत गुस्सा भी होता है. And he goes through lot of sadness and anger with him. And then eventually he starts practicing कि मैं कोशिश करूँ दोबारा चलने की. और वो eventually चलना शुरू कर देता है बहुत practice के बाद, बहुत trials और कोशिश के बाद. And not only चलना, in the end we could see कि वो वापस race track पर भी आ जाता है. Right, so he could turn into a runner back again. So definitely, as Tamanna said, we learn what we have learned from the story is that we should not give up. But the question for all of us is, ki life mein aisa kya ho jata hai that we start giving up? Kab aisa hota hai that we start giving up? Kya reason hota hai hamare give up karne ka? Socho, kyun hum give up kar dete hain kabhi? Koi troubled situation ya difficult situation aati hai to? What's the reason for us to give up? Who would like to answer? So, जो कोई काम था जिसको देख के आपने कभी give up किया, तो क्या reason था जो आपने give up किया? Ananya, please unmute and answer. Ananya Mittal. Yes, ma'am. या तो क्या रीजन होता है बेटा जो हम गिव अप करते हैं? मैम
रीजन ये होता है कि मैम हम एक बार करके देखते हैं, हमसे नहीं होता तो मैम हम गिव अप कर देते, दोबारा करने की कोशिश करते। तो हम एक बार करते हैं, रिजल्ट नहीं आता तो हम सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, राइट? यस मैम, वेरी ट्रू अनन्या, यस इट डज हैपन। जब रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं आता तो हम गिव अप कर देते हैं। ओके ईशान, वुड यू प्लीज अनम्यूट। ईशान धामा 4C, प्लीज अनम्यूट। देविश, मैम क्या, व्हाई डू वी गिव अप देविश, हम किस रीजन से गिव अप कर देते हैं? मैम जब हम कुछ समझ में नहीं आता, राइट, जब हमें समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे करना है। ओके ग्रेट, नक्ष, व्हेन डू वी गिव अप? यस मैम, हम गिव अप कब करते हैं नक्ष? मैम हमें जो कभी बीमारी होती है, क्या होती है? आई कुड नॉट हियर, प्लीज स्पीक अगेन। मैम हमें कुछ कोई चीज टारगेट होता है हमारा, उसे पूरा करना होता है, इसलिए हम गिव अप करते हैं। नहीं नहीं, गिव अप करने का मतलब है कि हम टारगेट पूरा ही नहीं करते, हम कोशिश ही नहीं करते। तो क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे। तो यानी हमारे मन में जो थॉट आ जाता है, अगर हमारे मन में ये थॉट आ गया कि हम नहीं कर पाएंगे, डेफिनेटली हम नहीं कर पाते, फिर इस वजह से भी हम गिव अप करते हैं। तो यानी मेरा थॉट बहुत मैटर करता है ना, कि मैं किसी भी डिफिकल्ट सिचुएशन को देख के क्या सोचती हूँ, मैं उसको देख के डर जाती हूँ और अपने आप को बोलती हूँ नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, वो नहीं होगा। बट अगर मैं उस डिफिकल्ट सिचुएशन को देख के कहूँ लेट मी ट्राई, मुझे फेस करना है इस चैलेंज को, मुझे सोल्यूशन ढूंढना है इसका, तो मैं कर पाऊंगी। तो यानी मैं क्या सोचती हूँ उससे किस चीज पर फर्क पड़ता है, मेरे सेल्फ बिलीफ पर। अगर मैं सोचूंगी कि मैं कर सकती हूँ तो मेरा सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट? तो मैं गिव अप नहीं करूंगी। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, एट टाइम्स इट आल्सो हैपेंस कि हमारे माइंड में ना थॉट हम खुद नहीं लाते, कभी कभी होता है ना कोई हमें बोल भी दे कि आप नहीं कर पाओगे, हम वो भी मान लेते हैं, होता है ना ऐसे, तो तब भी हम गिव अप करते हैं। अब ये सोचो जब आप गिव अप करते रहोगे हर चीज को ऐसे लाइफ में, तो आप पर क्या इफेक्ट आएगा इसका? गिव अप करने से हमारे लाइफ पर क्या इफेक्ट आता है? मारिया प्लीज अनम्यूट एंड आंसर। मारिया मुमताज, आरव गुप्ता, यस मैम। तो अगर मैं गिव अप कर देती हूँ आरफ, तो इससे मेरे पे क्या इफेक्ट आएगा? मैम हमारा जो टारगेट था वो पूरा हो जाता है। हो जाएगा अगर मैं गिव अप करूँ तो बेटा? हाँ मैम। मैंने गिव अप का मतलब मैंने छोड़ दिया तो पूरा हो जाएगा? नो मैम। तो यानी हमारा टारगेट अचीव नहीं हो पाएगा। और कुछ आप बोलना चाहेंगे? ओके, तो अगर हम गिव अप करते हैं तो डेफिनेटली हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते। और सोचो आप पर क्या इफेक्ट आ रहा है। संस्कृति मैम, अगर मैम हम गिव अप कर देते हैं तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट पूरा नहीं होता, एंड मैम सेकंड बात फिर हम ये नहीं सीख पाते कि हम अपना टारगेट कैसे पूरा कर सकते हैं, मैम हम फिर दूसरों से ही करवाते अपने काम। राइट, तो यानी हम कहीं ना कहीं खुद एक्शन लेने छोड़ देते हैं। यस मैम, और फिर हम दूसरों के ऊपर हो जाते हैं कि आप कर कर दे दो मुझे ये चीज, आप कर कर दे दो। राइट, तो हमारा डिपेंडेंसी बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपना सेल्फ
कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ फिनिश कर देते हैं, राइट? अगर मैम हम गिव अप नहीं करेंगे तो हम स्ट्रांग बन जाते हैं और अपनी चीजें खुद से कर पाते हैं और हम अपना हर टारगेट इजीली पूरा कर पाते हैं. वेरी ट्रू, करेक्ट. यस अन्वेषा. मैम हम लाइफ में ऐसी गिव अप करते रहे तो मैम हम कुछ नहीं कर पाएंगे. हम कुछ नहीं कर पाते. वेरी ट्रू. और उससे क्या होता है ना, जब हमने एक बार गिव अप किया तो हमारे माइंड में तो ये थॉट था हम नहीं कर पाएंगे, तो वो परमानेंट हो जाता है. तो यानी नेक्स्ट टाइम भी कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आपके सामने आएगी तो आप सोचोगे मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं पिछला भी नहीं कर पाई थी तो मैं ये भी नहीं कर पाऊंगी. तो क्या होता है, हम हर सिचुएशन से घबराने लग जाते हैं और कभी एक्शन नहीं लेते किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए या सोल्यूशन फाइंड करने के लिए. ओके, अब ऑपोजिट सोचो कि अगर मैं गिव अप नहीं ही करती तो ये मेरे पे क्या इफेक्ट आएगा, क्या इफेक्ट आएगा मेरे पे, सोचो अगर मैं गिव अप नहीं करती तो. सताक्षी, अपने काम के लिए डिपेंड नहीं होंगे और मैम हम सारी सिचुएशन को इजीली कर पाएंगे. राइट, हम सारे चैलेंजेस को इजीली फेस कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि हमने एक बार करा तो हमारे माइंड में क्या बैठ गया कि हाँ ये डिफिकल्ट सिचुएशन मैं सॉल्व कर पाई या मैं फेस कर पाई, राइट? तो मैं आगे भी करूंगी. तो नेक्स्ट टाइम जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आएगी तो आप पीछे का सोचोगे अरे वो तब भी तो ट्राई किया था, अभी भी ट्राई करना चाहिए. तो इससे क्या हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ रहा है, आपका सेल्फ बिलीफ भी बढ़ रहा है. ओके, यस सुजैरा. यस मैम. मैम हमने बताना था कि मैम क्या होता है अगर आप गिव अप नहीं करते तो क्या होता है. यस मैम. मैम हम मैम जैसे हम कोई काम स्टार्ट करते हैं कि मैम हमें ड्राइंग में अच्छा होना है और हमसे वो बनती नहीं है अच्छे से, तो मैम हम सोचते हैं कि हमसे तो ये बनेगा ही नहीं, हम इसे फालतू में क्यों करें, तो नहीं करते, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते. सो मैम फिर अगर मैम हम अगर हम गिव अप कर देते हैं तो ऐसा होता है, अगर मैम हम गिव अप नहीं करते तो मैम हमसे और अच्छा आ जाते हैं. तो अब एक चीज, डिड यू नोटिस वन थिंग शी सेड, कि जब हमसे नहीं होता तो हम सोचते हैं कि ये काम मतलब ऐसे ही है, ये हो ही नहीं सकता है, ये होपलेस है. अब ये क्या होता है, ये हम अपने आप को ना समझा रहे हैं कि हाँ हाँ डिफिकल्ट है वो, मुझसे नहीं होता. बट अगर मैं ट्राई, अगर मैं यही सोचकर हर चीज पे बैठू तो मैं कुछ नहीं कर सकती, है ना, और अपना कॉन्फिडेंस ही सिर्फ खत्म कर रही हूँ और अपने पे विश्वास भी खत्म कर रही हूँ. तो मैं कभी एक्शन नहीं ले रही, ना मैं किसी चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस कर पा रही हूँ. अब अगर मुझे गिव अप करना नहीं सीखना तो मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू सो दैट आई डोंट लर्न टू गिव अप, व्हाट शुड आई डू, थिंक व्हाट विल यू डू. मनस्वी प्लीज आंसर दिस. यस मैम. व्हाट विल यू डू सो दैट यू डोंट गिव अप. जब हम गिव अप नहीं करते तो मैम हमारा काम, हमारा टारगेट सक्सेस हो जाता है और हम उस काम को अच्छे से करते हैं. The question is, Manasvi, कि हमें क्या करना चाहिए कि हम कभी गिव अप नहीं करें लाइफ में, हमें क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए कि हम कभी गिव अप नहीं करें. मैम हमें किसी भी काम को हार्ड नहीं समझना चाहिए. राइट, हमें सबसे पहले अपने थॉट को चेंज करना चाहिए कि हम कर सकते हैं, है ना. यस. तो अगर हम हार्ड नहीं समझेंगे तो इसका मतलब हम अपने माइंड को क्या समझा रहे हैं, कि हम कर सकते हैं. ओके, अनन्या. यस मैम. या प्लीज आंसर. मैम हमें कभी भी अपने काम को जो हम करना चाहते हैं मैम उसे नहीं तो हमें हार्ड समझना चाहिए और नहीं इम्पॉसिबल समझना चाहिए. हमारा काम नहीं हो पाता तो हमें ना उसे डिफिकल्ट समझना चाहिए ना ही उसे impossible समझना चाहिए. So which means again we are paying attention to our thoughts, कि हम किसी चीज को देख के क्या सोचते हैं. अगर हमने सोच लिया कि नहीं होगा तो इट मीन्स हमने पहले ही हार मान ली, हमने तो ट्राई भी नहीं किया, है ना. तो अगर मैं अपने माइंड को बोलूं कि लेट मी ट्राई, आई वांट टू ट्राई व्हाट दिस इज, आई विल, आई कैन डू इट या आई कैन फाइंड द सॉल्यूशन टू इट, तो ब्रेन विल आल्सो लाइक फील द चैलेंज दैट यस आई कैन.
एंड वी गो अहेड एंड डू इट, टेक दैट स्टेप. सो डेफिनेटली अगर मुझे गिव अप नहीं करना, सबसे पहले अपने थॉट को चेंज करना है, साथ साथ मुझे एक्शन भी लेना है. सिर्फ सोचने से तो काम नहीं होता ना, एक्शन भी तो लोगे. सो टेकिंग एक्शन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ओके, और कुछ? एनी अदर थिंग दैट वी नीड टू डू? वन मोर थिंग, जब हमें कोई कहता है ना कि आपसे नहीं होगा, वी शुड ऑल्सो इग्नोर दैट. ओके, क्योंकि अगर आप पहले ही हार मान लोगे तो आप तो ट्राई भी नहीं करोगे. तो अगर कोई कहता भी है नहीं होगा, एटलीस्ट ट्राई करोगे तो तब पता चलेगा ना कि होगा या नहीं होगा. और अगर हो गया तो वाओ, यू विल बी हैप्पी अबाउट इट. अगर नहीं हुआ तो यू कैन फाइंड आउट द रीजन कि क्यों नहीं हुआ, और उस रीजन पे वर्क कर सकते हो. ओके, सो नॉट, डोंट लिसन टू योर थॉट ऑल्सो व्हेन इट सेज कि नहीं होगा नहीं होगा, और वो डर रहा हो, या फिर कोई और जब आपको ऐसे बोले और डर आपके माइंड में. So don't let that fear come in. Okay. Now, if I want not to give up in life ever, so as a person, na, मुझे कुछ qualities पे अपनी work करना होता है. तो सोचो क्या-क्या qualities हैं जो मेरे में होनी चाहिए ताकि मैं कभी give up नहीं करूँ. What qualities should I have? Sataakshi. हमें कभी अपने अंदर thought नहीं आना चाहिए कि हम नहीं कर पाएंगे. Right. तो क्वालिटी क्या हुई यहाँ पर? बीइंग पॉजिटिव इन लाइफ, राइट, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक कि आई कैन डू इट एंड आई विल बी एबल टू डू इट. ओके, विश्वास भी करना चाहिए. एंड वी शुड नॉट बी लिसनिंग टू अदर्स, वी शुड रादर बी बिलीविंग इन आवरसेल्फ. तो हमें सेल्फ बिलीविंग होना चाहिए या अपने पे बिलीव होना चाहिए. दैट्स योर फर्स्ट क्वालिटी. योर सेकेंड क्वालिटी इज दैट as we just discussed right now. What Sataakshi has shared. Sataakshi, just share it once again. It slipped from my mind. One, you said किसी की बात को नहीं सुनना चाहिए, and दूसरा? मैम, हमें अपने अंदर thought नहीं आना चाहिए कि हम इसे कर नहीं पाएंगे. Right. So we should have positive attitude, or we should be optimistic about it. Okay. और क्या क्वालिटी होनी चाहिए अनन्या? Yes, ma'am. What quality we should have? Qualities होनी चाहिए कि अगर हमें ड्राइंग करनी है तो हमें अच्छे से शेप्स बनानी आनी चाहिए, एंड मैम कलरिंग प्रॉपरली फील करनी चाहिए, एंड मैम जो हमारा काम है वो अच्छे से हो, इसलिए हमें डेली डेली माम वो करना चाहिए अपना. ओके, सो डज दैट मीन ट्राइंग? मुझे सब कुछ ट्राई करके देखना चाहिए. यस मैम. ट्राई, दिस क्वालिटी इज परसिवरेंस, कि मुझे हर चीज को ट्राई करके देखना है. ओके, दैट्स परसिवरेंस. परसिस्टेंस, प्रैक्टिस करना चाहिए बार बार. सो परसिस्टेंस. And one more important quality, patience, जो सबसे important है कि आप कोई चीज कर रहे हो, जरूरी थोड़ा ना उसका result अभी आ जाएगा. It may take time. So patience होनी बहुत जरूरी है ताकि आप अपने आप को टाइम दे सको, चांस दे सको कि अगर रिजल्ट नहीं भी आ रहा, यू कैन री वर्क ऑन इट. ओके, और उस पेशेंस के साथ अनदर इम्पोर्टेंट क्वालिटी इज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स. कि अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो रही है जिस वजह से आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स, रेक्टिफाई दोज मिस्टेक्स एंड मूव फर्दर और मूव ऑन. ओके, नाउ आई वांट यू ऑल टू थिंक ऑफ सिचुएशंस इन योर लाइफ. अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सा सोचो, कोई सिचुएशन सोचो जब आपने कभी गिव अप नहीं किया, एंड शेयर. थिंक ऑफ अ सिचुएशन इन योर लाइफ एंड यू डिड नॉट गिव अप, एंड हाउ डिड यू फील आफ्टर facing that challenge. आपके लाइफ का हो या कोई और हो आपके लाइफ में, I mean any other person, your friends, your relatives, your parents, उनका कोई situation हो where you saw they did not give up, you can share that as well. So once you're ready, just raise your hand. Okay, I'll share one situation. My child, he was 4 years then when he was learning to cycle. So
साइकिलिंग जब हम पहले स्टार्ट करते हैं ना, हम कभी भी फॉरवर्ड साइकिलिंग नहीं करते, हम बैकवर्ड की तरफ करते हैं। तो वो भी बैकवर्ड कर रहा था। अब उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उससे थोड़े बड़े हैं, सो दे वर डूइंग फॉरवर्ड एंड हम उसको हेल्प कर रहे थे समझाने में कि नहीं आपने फीट ऐसे करना है, ऐसे मूव करना है। वो फिर बैक कर रहा था बिकॉज बैक साइकिलिंग इज इजियर, फॉरवर्ड में आपको थोड़ा सा फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ता है कंपैरेटिव टू बैकवर्ड साइकिलिंग। सो ही वाज स्टिल डूइंग बैक एंड बैक एंड व्हाट हैपेंड इज वन ऑफ हिज फ्रेंड्स सेड हिम कि तुमसे नहीं होगा एंड आई सेड नो ही विल बी एबल टू डू इट, डोंट से दैट। सो एवरी डे व्हेन ही वाज साइकिलिंग आई वाज हेल्पिंग हिम, मैं उसको माइंड में फीट से, हम फीट सिर्फ अपना ऐसे मूव करते थे साइकिल से उतर के कि अहन दिस इज फॉरवर्ड, अहन दिस इज फॉरवर्ड, अब अपना फीट ऐसे रोटेट करो रोटेट करो। तो वो खड़े होके हम एज एक्सरसाइज से प्रैक्टिस करते थे एंड देन वन फाइन डे व्हेन ही सैट ऑन द साइकिल वो पीछे नहीं वो आगे की तरफ स्टार्ट हुआ चलाना। अब वो पूरा राउंड नहीं ले पा रहा था अभी, सो व्हाट ही डिड, थोड़ा सा आगे फिर वापस पीछे, थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे। अब इसमें क्या था, प्रोसेस में उसकी साइकिल धीरे धीरे आगे चलने शुरू हो गई एंड ही वॉज हैप्पी। बट स्टिल वी सेड हिम कि देखो स्पीड नहीं आएगी, स्पीड के लिए आपको पूरा राउंड करना है, पूरा राउंड करना है। तो हम वन ईयर हमने पूरा ऑफ साइकिलिंग के टाइम पे, जब साइकिल नहीं कर रहे होते थे हम, जब हमारा एक्सरसाइज टाइम होता था तब हम बैठ के पूरा फीट को रोटेट करते थे सिर्फ, ताकि उसके माइंड में सेटिंग बैठे कि मुझे कैसे फुल पेडल को रोटेट करना है। तो वो ट्राई करता था एंड आफ्टर वन ईयर ही कुड, ही वॉज जस्ट साइकिलिंग हिमसेल्फ एंड he started cycling it in a complete rotation, usne pura pedal kiya and he shared, mama aaj mujhse ho gaya abhi. So over here if you see we were patient, we were constantly practicing cycle par bhi, bina cycle ke bhi hum movement ko practice kar rahe the ki kaise karna hai, kaise karna hai taki mind mein setting baithe and he could do it. So give up se hum, hame agar kabhi give up nahi karna to hame ye dekhna hai sabse pehle कि क्या जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वही सफिशिएंट है या हमें और किसी तरीके से उसे अचीव करना है। तो यहाँ अगर आप देखो तो हमने सिर्फ साइकिल पर प्रैक्टिस नहीं किया, हमने एक्सरसाइज टाइम पे भी एक्सरसाइज करते हुए फुट मूवमेंट प्रैक्टिस किया है ना। तो हमने अपना मेथड चेंज किया थोड़ा सा और हमने टाइम दिया कि ठीक है इट विल टेक टाइम बट प्रैक्टिस, बट गो ऑन एंड प्रैक्टिस एंड इट हैपेंड। सो नाउ थिंक आपके लाइफ में कोई ऐसा सिचुएशन था, लेट्स से आपकी राइटिंग स्पीड नहीं थी या हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी या आप रीडिंग नहीं कर पाते थे या कोई स्पोर्ट या गेम नहीं खेल पाए, सोचो जहाँ पर आपने गिव अप नहीं किया, थिंक ऑफ अ सिचुएशन। ओके अन्वेषा मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। अ सिचुएशन इन योर लाइफ व्हेन यू डिड नॉट गिव अप द वे आई शेयर द स्टोरी। If you have any situation of your life or somebody's life. Yes, ma'am. Mm-hmm. Please share. Ma'am, मैं अपनी कजन के यहाँ गई। मैम हमने एक स्टोरी लिखने का प्लान किया। Okay. मैम हम स्टोरी लिख रहे थे। मैम उस टाइम मेरी राइटिंग बहुत गंदी थी। Okay. तो मैम उसकी बहुत अच्छी थी, वो बहुत अच्छी कर्सिव राइटिंग लिखती थी। मैम उसने लिखा, उसने फिर मेरी जब स्टोरी देखी वो कह रही तेरी राइटिंग तो बहुत गंदी है। मैं कहा चलो एक और बार ट्राई करते, एक और बार स्टोरी लिखते हैं। मैम मैंने दूसरी बार भी स्टोरी लिखी उसके साथ, मैम जब भी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आई। मैम उसने कहा कि तू नहीं कर पाएगी, राइटिंग बहुत मुश्किल से अच्छी होती है, तू नहीं कर पाएगी इसको। मैम मैंने छोड़ा नहीं करना, मैम मैं रोज एक स्टोरी लिखती थी। मैम अब मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है और मैम उसकी डाउन है। ओके सो ग्रेट, यू डिड नॉट लिसन टू हर कि आप नहीं कर पाओगे एंड यू बिलीव्ड इन योरसेल्फ कि आप कर पाओगे एंड यू प्रैक्टिस्ड फॉर इट, दैट वाज अमेजिंग। सो पर्सिवरेंस वाज आल्सो देयर, ग्रेट, थैंक यू। यस हताक्षी, मैम पहले ना मेरी राइटिंग बहुत गंदी थी, सो मैम मैंने फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करी, देन इट वाज गुड। वाओ दैट्स नाइस। ओके वन मोर थिंग आई वांट टू ब्रिंग हियर,
when we share something here, right? So see, it's not about ki koi cheez bahut choti hai ya bahut badi hai. Ho sakta hai aapko wo choti dikh rahi ho, but kisi aur ke liye ho sakta hai wo abhi bhi struggle ho. So when you do something, please believe in yourself and smile ki you could achieve something, okay? क्योंकि कोई भी चीज छोटी नहीं होती ना. स्ट्रगल तो देखो सबका है. अब अगर मैं सोचूं हैंडराइटिंग मेरी आज अच्छी है, बट मेरा भी तो ये स्ट्रगल रहा होगा ना व्हेन आई वाज योर एज और इवन यंगर देन यू, कि लिखना कैसे है. तो स्ट्रगल हर किसी का होता है. सो नेवर थिंक योर स्ट्रगल इज बिग और स्मॉल. अ स्ट्रगल इज अ स्ट्रगल एंड यू कुड ओवरकम इट, दैट्स योर अचीवमेंट. ओके, एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर एनी इंसिडेंट्स? Okay, I'll share another story with you. We all have heard about Thomas Alva Edison. Edison ka naam suna hai na, bulb invent kiya tha. Right. Jab wo school mein padhte the na, ek din unki maam ne ek letter diya unhe. Aur kaha ye mamma ko de dena aap ghar jaake. Aur usne khol ke nahi padha, usne jaake mamma ko ghar pe de diya. Aur letter dene ke baad wo apna play karne laga. Thodi der baad usne dekha ki uski mamma jab letter read kar rahi hai na, wo cry kar rahi hai. तो देश तो वो परेशान हो जाता है. वो जाके मम्मा से पूछता है, मम्मा क्या हुआ, मैम ने क्या लिखा है, आप क्यों क्राई कर रहे हो? तो उसकी मम्मा स्माइल करके उसे कहती है कि आपकी मैम ने लिखा है कि आप जीनियस हो, और मतलब एडिसन इज जीनियस, और जो हमारा स्कूल है वो बहुत छोटा है, हमारे पास बहुत टीचर्स भी नहीं है और इतने रिसोर्सेज भी नहीं है कि हम किसी ऐसे जीनियस को अच्छे से पढ़ा सके, तो प्लीज आप उसको घर पे पढ़ाया करो, स्कूल मत भेजो. एंड हिज मम्मा ऑलवेज सेड हिम टू बी अ जीनियस एंड एज अ रिजल्ट वी ऑल सॉ ही बिकेम अ जीनियस. उन्होंने बल्ब इन्वेंट किया, राइट? सो ही वॉज अ जीनियस इन दैट सेंस. बट वो बल्ब उसने सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट से नहीं किया था, उसने 200 बार एक्सपेरिमेंट किया था. और जो 200th एक्सपेरिमेंट था, दैट वाज द वन व्हेन ही इन्वेंटेड द बल्ब, कि बल्ब ग्लो हो गया उनका. सो सोचो 200 टाइम्स एक्सपेरिमेंट करने के बाद, 199 टाइम्स करने के बाद 200th टाइम वो अचीव करे थे सक्सेस, एंड ही वॉज नेम्ड जीनियस. तो जब वो साइंटिस्ट बन गए, जब उनको जीनियस का लेबल मिल गया, बल्ब इन्वेंट कर दिया, तो एक दिन वो अपना ना टेबल क्लीन कर रहे होते हैं और टेबल के ड्रॉअर में ना उनको एक पुराना सा लेटर मिलता है. वो लेटर खोलते हैं ना, जब उसे पढ़ के क्राई करते हैं. वो लेटर उनकी मैम का था, और पता है उस पर क्या लिखा होता है? उनकी मैम ने मम्मा को उनके लिख के भेजा था कि आपका बेटा मेंटली प्रॉब्लम है कुछ, उसको उसको कुछ समझ नहीं आता, प्लीज आप उसे स्कूल में भेजो. आप सोचो अगर उनकी मम्मा ये बात मान लेती कि मेरा बेटा पागल है या डम्ब है, तो क्या कभी एडिसन जीनियस कहला पाता? क्या वो बल्ब इन्वेंट कर पाता? नहीं. पर क्या वो सच में मेंटली इल था? नहीं था, है ना. तो इस स्टोरी से हमने ये सीखा दैट इवन इफ पीपल से एनीथिंग यू कांट डू इट, या नहीं होगा, we should still believe in ourselves and do it. Because who knows, one of the Edisons or Newtons or Galileo is within us, right? So hum sab mein koi na koi quality hoti hai, so hame haar nahi manni chahiye na kabhi give up karna chahiye. So keeping this in mind, I'll share with you today's homework. So you got to read page 25 and do page 26 and 27 of your book. Okay, so this page number 25 is a story of one of the sports person. Okay, so just read it, and the questions are related to it on page 26 and 27. Try answering them. Right? So see you all. Have a wonderful day. Bye. And take care in the chilly winters. Bye-bye.